हम लोग इस जन्म से पहले पता नहीं कितनी बार इस संसार में जन्म ले चुके हैं। उन पूर्व जन्मों में भी मनुष्य को कभी जानवर योनि और कभी कीट पतंग योनि आदि की योनि प्राप्त हुई होगी। उन जन्मों में हम जो कुछ कर्म कर आए हैं उन्हीं के संस्कार इस जन्म में वासना रूप से हमारे चित्त में मौजूद हैं और हमें सही गलत कर्म करने को प्रेरित करते हैं। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जिसके बिना मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता, यह आवश्यक है कि हम सारी इच्छाओं और आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हो जाएं। इच्छा और आसक्ति से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है शास्त्र विहित कर्म करना। ऐसा करने से हम अपनी दूषित इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और सदाचार एवं धर्म में स्थित होकर अपना एवं विश्व का मंगल कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति कर्तव्य भावना से अधिक प्रेरित होते हैं, वे कर्मयोग के मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। इसी पद्धति को कर्मयोग का मार्ग कहा गया है। भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्ग जैसे ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग, मंत्र योग, नाद योग आदि बिल्कुल पृथक पृथक विभाग नहीं है। प्रधानता के आधार पर ये विभाग किए गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कर्म के अतिरिक्त भक्ति, ज्ञान आदि की शक्ति ही न हो। उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति भी नहीं देखा जाता जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो। ये विभाग मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार किए गए हैं। अंततोगत्वा सभी मार्ग एक ही लक्ष्य पर जाकर एक हो जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के 3rd अध्याय का महात्म्य बताने जा रहे हैं। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताऊं जिससे पृथ्वी में सारा गड़ा हुआ धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गढ़ा हुआ धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मंदिरा खाया पिया कर तक वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत ही दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, क्या उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। मां ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, इसीलिए उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जी, जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा डर लग रहा था। यह वहीं वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3rd अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर बैठकर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। अब तू गया जी, अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं,
अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर बैठकर वापस गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहां तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा, वह तुमने सुना है। यह मनुष्य के सारे कष्ट हरता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म न करते हों। इससे पहले के अध्याय में हमने सांख्य योग, संन्यास योग के ज्ञान को जाना और इस अध्याय में भी इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं और वो समझते हैं कि युद्ध करने से पापी हो जाएंगे, इसलिए वो संन्यास को बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण उनको एक गहरी बात समझाते हैं, जिससे अर्जुन के संशय को दूर करते हैं और संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में संन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा है, अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है। भगवान अब कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि संन्यासी बनना भी बिना कर्म के बनना असंभव है, अर्थात कर्म से बचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो तो उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होते ही हैं। भगवान कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि हर पल कर्म होना ही है, तो क्यों ना वो कर्म उसके विषय में जानकर किया जाए, क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है, वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है और अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का तो त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार और नारी भोग की अभिलाषा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक पूरा करता है। भगवान यहां हमें यज्ञ की महिमा बताते हैं। उनके अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है, अर्थात श्री भगवान के लिए किया गया यज्ञ देवी देवताओं को फलीभूत करता है और कर्मयोगी प्रसाद रूप में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं, जो बिना यज्ञ के कर्म करता है वो स्वार्थी और लोभी होता है, अर्थात अहंकारी। वैसे तो यज्ञ वेदों में बताई विधि द्वारा करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस कलयुग में इस विधि से हर समय यज्ञ करना आसान नहीं है। तो कलयुग में श्री तुलसीदास जी के अनुसार, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा, अर्थात भगवन नाम जप करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, या यूं कहें इतना करना ही संपूर्ण यज्ञ के बराबर है। श्री कृष्ण के अनुसार, जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वो व्यर्थ ही जीता है। ऐसा व्यक्ति मरता रहता है और अलग अलग योनि में दोबारा जन्म लेता रहता है और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार, अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हैं, तो हमें भोगों को त्यागना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बन पाएंगे और ऐसी मिसाल बना सकेंगे जिसको दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में पालन कर सकें। यहां भगवान अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हर युग में प्रकट होकर कर्म करता हूं, जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर साथ हूं। अगर मैं ही कर्म न करूं तो धरती पर सब नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। सबकी तरह मैं भी पापों को दुखों को भोगता हूं। भगवान हमें चेतावनी देते हैं कि हमें घमंडी व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इस स्वभाव के व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ और सभी कारणों का कारण समझते हैं और अपने अहंकार में सोचते हैं कि उनकी बुद्धिमता के कारण ही हर कार्य संभव होता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को श्री कृष्ण मूर्ख और ढोंगी बताते हैं,
और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरे के नुकसान में भी अपने फायदे देखते हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार के लोगों से दूरी रखनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मन के क्रोध, लाभ और अहंकार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति को बताते हैं। अगर इसे एक शब्द में समझाएं तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पणस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी रूप में अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं, क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें जो पाप का मूर्त रूप है और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं, जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा।
परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद पर ब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मसंतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझमें कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूं। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है, यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं। लेकिन अहंकारवश, हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं, जो इंद्रिय विषयों गुणेशु में संचालित होते हैं और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।
किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहदारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत थे जो कि अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक कुलटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने दो लड्डू खूब घी, मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह दो लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना, ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था, उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वहां अपने कुटी पर उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए, लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया, वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। तभी मित्रों कहते हैं, जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोजते हो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। इसलिए हमेशा फूल बिछाओ दूसरों के लिए। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे।
एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री तो तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा यह। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहां तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। तो दोस्तों, कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ कर दे देगा। और यही हमारा धर्म है कि हमें कम पर ध्यान देना है, उसके फल पर नहीं। बस एक बात याद रखनी है कि हमें ऐसे ही काम करने हैं जिससे दूसरों को कोई भी तकलीफ ना हो और वह कर्म अच्छे, पवित्र और नेक हो। भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु पुरु कुल के राजा व पांडवों में से अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया था। कथा में उनका छल और अधर्म द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है। परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत योद्धा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भधारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थीं, के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल आपने ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था, और इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने
कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ पर द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। अभिमन्यु महाभारत का वह महायोद्धा था जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायण ऋषि का यह पुत्र कालेवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालेवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से कालेवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। कालेवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर कालेवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कालेवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर गई जिसमें कालेवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और कालेवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही कालेवन भगवान श्रीकृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ, जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है, जो अभी मैंने आपको पहले सुनाई थी। मैंने बताया था कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा, वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्रीकृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्रीकृष्ण से जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। तो दोस्तों, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे बच नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा
और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।